Guys, we are back again with a new video. कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम देखने वाले विक्रांत गुप्ता से पाकिस्तान विल बीट इंडिया इन एशिया कप। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी फाइनल ना। हाँ, जाहिर सी बात है। और देखते हैं ये वीडियो कैसी है, और वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। देखते हैं विक्रांत गुप्ता ने ये कैसा क्यों कहा पाकिस्तान। हमारे बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं ये, और इन्होंने बहुत प्रेडिक्शन सही किया। लेट्स सी, देखते हैं ये वाले क्या बोल रहे हैं अभी। विक्रांत गुप्ता, बट सर वही जो हम भी डिस्कस कर रहे थे, इनफैक्ट बाबर आजम को लेकर जो बात रहती, तो ये स्टेज, ये ओकेजन है जहां पर उनको स्टेप अप करके वो बताना कि हाँ, अब मैं उस ब्रैकेट की तरफ बढ़ रहा हूं। आज जो बुमराह ने जिस तरीके से गेंदबाजी करी है, वही है कि वहीं पर आपका बेस्ट वर्सेस बेस्ट जो हम बात करते हैं, मतलब बुमराह हमारे बेस्ट, पाकिस्तान से वो बेस्ट, बट वो आपको somehow आज रिदम ही नहीं नजर आए बाबर आजम की। देखो, जब आप बोर्ड पे 357 होते हैं ना मनोज, तो आसान नहीं होता। ये पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट थे हमारे दोस्त, उन्होंने बोला बॉबी आज जल्दी आउट है। क्यों? कहते थे बोर्ड में इतने रन होते हैं ना, तो उनके जहन में वो एक डबल माइंडेड चीज होती है, मैं अपनी बैटिंग करूं या रनों के लिए जाऊं। तो क्लूलेस कभी कभी क्या होता है ना, इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो। राहुल के जो दोस्त है इमाम, वो तो सबसे पहले आउट हो गए। मनोज बोल रहे थे उनको रन बनाने का फायदा हुआ। आप बोल रहे बोर्ड पे रन होते, मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ। जैसे होबार्ट में बोर्ड में श्रीलंका ने भी 320 कुछ लगाए थे, उस टाइम इंडिया भी गया था कि मतलब बोर्ड पे रन है, हमें भी पता है इतने ओवर में 37 ओवर में करना, तो आपका जो बड़ा खिलाड़ी होता है हमेशा वो निकल कर आता है। तो बाबा आजम पता नहीं, आपको वो स्कोर निकालनी पड़ेगी। जब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 349 चेज किया, मुझे नहीं पता बाबर ने उसमें कितने रन बनाए थे। बाकी जरूरी नहीं होता कि जब भी ये दोनों आमने सामने होंगे तो वो विराट वर्सेस बाबर। आज विराट इज अ चैंपियन, मतलब विराट आज हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन ओवरऑल भी और आज के दिन। बट आई एम श्योर बाबर इस वक्त ड्रेसिंग रूम में बैठ के अपने आप को कोस रहे होंगे, एज बैट्समैन ही नहीं, आई थिंक एज कैप्टन ऑल्सो, बिकॉज वो सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्या गलत किया कल, मैंने ऐसा क्या गलत किया आज। ठीक है, किस्मत खराब थी, हारिस राउफ को चोट लग गई, फिर भी मेरा मानना है कि पाकिस्तान को ना ये देखना होगा आने वाले मैचों में। उनके पास बॉलिंग है, हम कहते हैं वाओ, नया बॉल अगर उनको 10 ओवर विकेट नहीं मिलती तो क्या उनके पास वो चीज है। सेकेंडली, वो स्लो बॉल्स बड़े अच्छे डालते हैं, जब स्पेशलिस्ट बैट्समैन 40 से 50 में खेल रहा है, क्या सब उनके पास है ये इनका। 357 जो आपने 356 रन बोर्ड पे लगाए हैं, अगर हारिस रॉफ होते तो क्या हो जाता, 280 बोलिंग हुई है और जिस हिसाब से बैटिंग हुई है, किस्मत ये रही पाकिस्तान की कि उनके ना वो हिट एंड मिस हो रहे थे, उनकी बॉल ना बैट पे लग नहीं रही थी, वो जो बीट हुए जा रहे थे तो अब तक 3-4 फकर भी आउट हो चुके होते। मतलब और एक चीज़ पाकिस्तान के साथ है, जिस दिन आपकी बोलिंग धोखा देगी ना, मतलब देखो पेस अटैक आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा है यार, हम लोग स्पिन नहीं होती अच्छी देखा है, पर जिस दिन आपका पेस अटैक आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा ना, उस दिन आपकी बैटिंग खुल के सामने भाई, बैटिंग को उनके लिए भी रन बनाकर देने पड़ेंगे। जब आप पहले बैटिंग करते हो, अफगानिस्तान के साथ 200 करे थे आप, आई थिंक इंडिया जो आप बात कर रहे थे ना, इंडिया की मिसिंग पीस वो मिल गया। क्या राहुल ने जो बैटिंग की, विकेट कीपिंग भी वही कर रहे हैं बाय द वे, हमारी सारी अजम्पशंस गलत घूमने लगा, ईशान किशन कीपिंग करेंगे तो श्रेयस अय्यर में दरवाजे खोले, के राहुल ने आज भाई कप्तान को बड़ा जबरदस्त हौसला दिया है। फिर विराट की बैटिंग, मुझे तो विराट को देख के मैं मिट्टी से बात करना था, अगेन ये बातें ही होती है, आई डोंट नो, मैं नजर ना लगे जिसको एक्चुअली विराट कोहली इस वर्ल्ड कप इतने शोर दिखे ना, शुरू में उन्होंने वक्त लिया, बाद में आप देखो 100 से 100 स्ट्राइक है, जहां चाह मारा, जहां चाह जैसे किया। तो इंडिया ने पाकिस्तान को सुपर 4 एशिया कप के मैच में शिकस्त दे दी है और 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। पाकिस्तान जो कि बॉलिंग परफॉर्मेंस उनकी काफ़ी बुरी रही, दो दिन पर ये मैच चला, 356 रन इंडिया की टीम ने बनाए, केएल राहुल ने भी 100 बनाया और विराट कोहली ने भी पाकिस्तान के अगेंस्ट एक और 100 बनाया। विराट कोहली तो हमेशा से ही पाकिस्तान के अगेंस्ट बड़ा स्कोर करते आए हैं। पाकिस्तान की बैटिंग से लग रहा था कि उनको चेज करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास बड़े बड़े बल्लेबाज मौजूद हैं, बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन हैं, इमामुल हक भी नंबर 3 बैट्समैन है, उसके अलावा फखर जमान भी टॉप रैंकिंग्स में मौजूद हैं, लेकिन बाबर आजम भी कुछ ना कर सके, इमामुल हक भी कुछ ना कर सके और पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जो है वो इस बड़े मेमथ टोटल को है चेज नहीं कर सकी और ढेर हो गई।
भारत की जीत जो है उस पर इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा खुश है। पाकिस्तान की हार पर पाकिस्तान को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है कि आज उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो एक गली के जो लड़के होते हैं, गली की जो टीम होती है वैसी थी, बिल्कुल भी खेलने का जज्बा उनमें नजर नहीं। पाकिस्तान इज़ अ गुड टीम, लेट्स सी, देखते हैं अब फाइनल कैसे होता है। फाइनल में पाकिस्तान जीतेगा यार, लेकिन उन पे प्रेशर बहुत होगा अभी, उनका मेन बट देखो अब हाईली रेटेड किया जा रहा होगा इंडिया को, सही है कि इंडिया पिछला मैच बहुत अच्छा जीत गया। हाईली रेटेड से क्या होता है, मतलब वो सामने वाली टीम प्रेशर में आती है कि भाई जीतना ही जीतना है, सब लोग ने हम पे नजरें रखी हुई है। लेकिन दो मेन मैंने सुना बॉलर है इंजर्ड है, नहीं यार इससे फर्क नहीं, पाकिस्तान के पास बहुत पड़ अच्छा, वो दो गए हैं, दो आ भी तो गए, एक जमान खान और एक का पता नहीं। लेकिन यार वो वैसे नहीं है ना, हारिस राव बहुत अच्छा बॉलर है। हारिस राव आप भी कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है फाइनल में क्या होगा, लास्ट में बताना, मजा आएगा, जो भी है मजा आएगा मैच का। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।